हाँ सर नमस्ते। ये देखिए बम्बू का प्लांट हम लोग राजस्थान के सूरतगढ़ में लगा रहे हैं। ये जो रेतीली ज़मीन है, बहुत लोग बोलते हैं कि रेतीली ज़मीन में ये बम्बू का प्लांट नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ने इसको ट्राई किया है। ट्राई करके देखा है कि रेतीली मिट्टी में हो जाता है, तो आज हमने ये प्लांटेशन चालू किया है। ये राजवीर सिंह का ज़मीन है सूरतगढ़ में, वहाँ में हम बाउंड्री फेंसिंग के लिए ये बम्बूस का प्लांट लगा रहा है। तो हम लोग कैसे लगा रहा है आज आप लोग को दिखाऊंगा पूरा ये वीडियो में। ये देखिए, पहले हमने गड्ढा में पानी डाल दिया, पानी डाल के ये पौधा को डाल दिया है। अभी उसमें मिट्टी डालेंगे। ये देखिएगा, ये देखिए, ये ऊपर से सूखा मिट्टी, ड्राई जो है वो मिट्टी डाल रहा है, अंदर में पानी डाल दिया है। ये देखिए, ये इसका सही तरीका है, क्योंकि अभी उसका पानी अंदर रहेगा, जो सूर्य धूप का जो ये है वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन अंदर में गीला रहेगा वो। ये इसका सही तरीका है। ये देखिए, हम लोग लगा रहे हैं ये। तो ये जिनका ज़मीन है, इनसे हम पूछेंगे कि क्या वैरायटी है और ये कहाँ से लाके लगा रहा है, ये पूरा सब कुछ आज पूछेंगे उनको। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो क्या है अभी? आप ये वैरायटी लगा रहे हैं, मतलब फेंसिंग के लिए? हाँ, ये फेंसिंग के लिए लगा रहे हैं। हमने पहले लास्ट ईयर लगाया था, 1.5 साल हो गए पीछे जी, लगाया था। वो पौधे बहुत कामयाब हैं यहाँ पे, अच्छा अच्छा तो ये अच्छा फेंसिंग के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि जानवर वगैरह आते हैं। तो एक अच्छा बार ये लग जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ये कितना बाई कितना में आप लगा रहे हैं फेंसिंग? अभी फेंसिंग पे हम इसको लगा रहे हैं 4-4 फीट पे। 4-4 फीट पे हाँ, तो लगा रहे यहाँ हैं, जो खेत में लगाएंगे वो हम लगाएंगे 12x6 पे। 6x12 में हाँ, वो 6x12 में लगेगा। वो लगेगा स्टिक्टस और टुल्डा, दो टुंडा। अच्छा ये लगेंगे। कौन सा वैरायटी आप लगा रहे हैं फेंसिंग हाँ, ये बैम्बू है, ये लग रहा है। में? अच्छा, ये इसका खासियत क्या है, ये फेंसिंग में क्यों लगाते हैं? फेंसिंग में इसलिए, एक तो ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसमें कांटे होते हैं, थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, यहाँ पे जानवर वगैरह नहीं आता, तो बिल्कुल इसकी डेंस फेंसिंग हो जाती है। बीच में से इसके कुछ भी नहीं निकल पाता, इसलिए अच्छा, इसको बाउंड्री पे लगा रहे हैं। अंदर इसके सब टुल्डा और स्टिक्टस लगेगा। कितना एकड़ में आप लगा रहे हैं यहाँ ये? पे अभी हम कम से कम 10 एकड़ से शुरू करेंगे, तो फिर ये सारा है फार्म, सारा यही लगाएंगे। अच्छा, आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर बोल दीजिए। यहाँ का? जी हाँ, ये पे है, सूरतगढ़ में है, इंदिरा कनाल के ऊपर है ये। जी 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 सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ से 10 किलोमीटर है, इंदिरा कनाल के ऊपर अच्छा ये जगह है। तो इसका वैसे बोलते हैं बिरद्वाल हेड, अच्छा, ये उस पे है जो बीकानेर को रोड जाता है, उसके कितना ऊपर। कितना पौधा आप लगा रहे हैं यहाँ तो अभी? यहाँ पे हम एक बार लगाएंगे, अभी 5-7 हज़ार पौधा लगाएंगे। 5-7 हज़ार ना? हाँ अच्छा, आप बेम्बू में मतलब पंजाब में तो बेम्बू इतना नहीं चलता है, इतना नहीं हाँ लगाते पहले अच्छा हम भी सोचते थे, लेकिन हमने पहले 2-3 साल पहले हमारे चंडीगढ़ वाले फार्म में लगाया था, तो वहाँ से शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे वहाँ से फिर पंजाब में लगाया, फिर अब इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम 1.5 साल पहले जो पौधे लगाए थे वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो अच्छा उन्हीं को अच्छा देखते हुए, पहले तो सब बोलते थे भी हो गए नहीं, जब हमने खुद लगा के चेक कर लिए और हमारे को लगा भी अभी चलेंगे, तो अब हम ये सब जगह लगा रहे हैं। अच्छा दूसरी अच्छा खेती से ही हमारे को ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, इसलिए हम लगा रहे अच्छा हैं। अच्छा आपका तो दूसरा, इधर मैं गेहूं देख रहा है, गेहूं का खेती है? हाँ, गेहूँ है, जौ है, हाँ सब हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, जो ये लेबर का बहुत खर्चा है। तो जैसे अच्छा मैं यहाँ नहीं रहता, एबसेंटी फार्मर हूँ, जी तो उसी के लिए ये अभी अभी स्टार्टिंग में ये लग जाएगा, थोड़ा जी सा ध्यान रखना पड़ेगा। जी उसके बाद इसका लाइफ बहुत है, तो सिर्फ अच्छा, काटना है और बेचना है। फायदा इसमें ज़्यादा है? हाँ, इसमें फ़ायदा है, लेबर का बचत है, रोज जाने का जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं भी आते तो भी आपका काम चलता है, जानवर का कोई दिक्कत नहीं है, जी ये कोई कितना नुकसान। साल तक आपको फसल देगा? ये वाली वैरायटी है, ये तकरीबन मेरे को 60-70 साल तक देगा मिनिमम। अच्छा, एक बार लगाने से हाँ, साठ एक एक साल बार लगाने से 70 साल चलेगा। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद, ओके सर, आपसे सर। जानकारी लिया बहुत सारा। तो सर ये देखिए, ये सर लगा रहा है, ये प्लांटेशन कर रहा है, रेतीली ज़मीन है, बहुत लोग बोलते हैं कि रेतीली ज़मीन में नहीं होता है, तो यहाँ पे सर ने पहले ट्राई किया है, वो हो गया है। अभी वो बहुत बड़ा आकार में लगा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़मीन में लगा रहे हैं। तो ये ज़्यादा देखिए, उसको रहने देना, खड्डा रहने दे, पानी डालेंगे। ये देखिए, ये ड्राई गोबर डालते हैं, ड्राई गोबर डाल के पानी डाल के फिर पौधा लगाते हैं। ये देखिए,